हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही सदर बाजार एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ जाने वाली हूँ और आज सैटरडे है तो मैं भी काफ़ी रश हो, तो कोशिश करूँगी कि पूरा ब्लॉग आपको मैं दिखा सकूँ मार्केट का। और मैं मेन मेरा वहाँ जाने का मोटिव है, आज ज्वेलरी और होलसेल मार्केट जाने वाली हूँ सदर बाजार में। तो देखते कि मैं वहाँ ब्लॉग कर पाऊँगी, मतलब सैटरडे तो रश हो सकता है। तो मैं जा रही हूँ मेट्रो से, तो मेरी लोकेशन से आरके आश्रम मार्ग काफ़ी पास पड़ता है और सदर मार्केट के लिए लोकेशन परफेक्ट रहती है। तो यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको एग्ज़िट करते एक नंबर गेट और दो नंबर गेट से एग्ज़िट कर लेना है। एग्ज़िट करते आपको बाहर बहुत सारे ई रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको पर पर्सन 20 रुपीज़ लेते हैं, चार्ज करेंगे और वो आपको के लोकेशन पर छोड़ देगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है कि जब भी आप ई रिक्शा जाते हो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आपको वहाँ मिलेगा। तो हम लोग वॉक करके ही गए थे। तो पहुँच गए मार्केट, तो देखते हैं कि आज मार्केट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कुछ नया कलेक्शन वगैरह क्या क्या मिलता है। तो देखते स्टार्ट करते अपना वीडियो। तो जैसे हम लोग मार्केट पहुँचे हमको दिखा इतना सारा क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड था। हम दोपहर के टाइम पे गए थे तो जाते हम लोग को एक आंटी थी जिनके पास एक बहुत सारे कलरफुल की डोरियाँ थी जो कि 1.5 रुपये मीटर हमको दे रही थी। तो हमें घर के लिए चाहिए था तो हमने एक वो ले लिया। तो जाते हमने शॉपिंग स्टार्ट करी जो जो हमें लेना था, और आप भी आके ले सकते हो क्योंकि आंटी के पास काफ़ी अच्छी अच्छी डोरियाँ थी और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। इनके पास नाड़े भी थे वाइट कलर के। तो जैसे हमने मार्केट में एंट्री करी तो मुझे वहाँ पर काफ़ी सारे होम डेकोर के आइटम्स दिखे, जैसे हल्दी मेहंदी के लिए आपको काफ़ी सारे होम डेकोर के आइटम्स मिल जाएंगे यहाँ पर आपको लड़ियाँ मिल जाएंगी, लिप्स मिल जाएंगी, आर्टिफिशियल वगैरह काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। हल्दी मेहंदी का लिखा हुआ पैटर्न भी आपको यहाँ मिल जाएगा और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में भी था और बहुत सारी चीज़ें थी। और ये मैं जा रही हूँ मुई मंडी, और ये मंडी सदर जगह सबसे फेमस और सबसे अच्छा मार्केट है ये। तो यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक और आपको यहाँ पर ज्वेलरी की पूरी मार्केट मिलने वाली है, पट्टे दिखेंगे आपको यहाँ पर। तो जाती हूँ, मुझे यहाँ पर बैंगल्स और कुछ रबड़ बैंड मिल गई बच्चों के लिए जो काफ़ी अच्छी थी, और ये दो रुपये 5 रुपये के पैकेट में मिल रही थी। स्टॉल था जिसमें आपको 60 रुपीज़ के 12 पीस के रबड़ मिलेंगे। ये आपको ये पूरा का पूरा पैकेट लेना है, अगर आप होल सेल में लोगे तो ये आपको और सस्ते में पड़ेगा। और इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स थे, बहुत अच्छे रबड़ थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पर पिंस भी बहुत अच्छे थे बच्चों के लिए। उसके बाद था ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो कि 100 रुपीज़ में मिल रहा था। यहाँ पर आपको एंकल ब्रेसलेट सब चीज़ मिल रही थी जो कि 50 रुपीज़ में थी, और जो इनकी ज्वेलरी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर बहुत अच्छे डिज़ाइन थे, झुमकी में थी, मिरल वर्क में ज्वेलरी थी इनके पास, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी थी, मल्टी कलर में भी इनके पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी। उसके बाद एक क्लेचर वाला स्टॉल था जहाँ आपको पूरा का पूरा पैकेट 60 रुपीज़ में मिल रहा था। तो इसमें बहुत अच्छे डिज़ाइन थे, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे ये सारे क्लेचर। अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हो तो आप सदर मार्केट डेफिनेटली विजिट करने आइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इतने अच्छे से अफोर्डेबल में इतने अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी। आपको हल्दी मेहंदी के लिए यहाँ पर एक्सेसरीज मिल रही थी जो कि 150 से स्टार्टिंग थी और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में थी। यहाँ पर फिर से वो इस तरह के रबड़ सबको मिल रहे थे कंटिन्यू में, और ये एक बहुत छोटी सी शॉप थी बट यहाँ पर इतनी अच्छी झुमकी थी छोटी छोटी सी। उनके प्राइस जो थे सिर्फ 110 से 150 के अराउंड में थी, और ये पूरा का पूरा पैकेट आपको मिला जितने आपको 6 पेयर आपको इयरिंग्स मिलेंगे, झुमकी मिलेंगे। उनकी क्वालिटी, उनकी डिज़ाइन इतनी प्यारी थी, और इसका जो प्राइस था ये 110 का था। सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के थे पर 110 से 150 के अराउंड में ही इनके प्राइस थे। ये वाला डिज़ाइन का जो इयरिंग्स था ये 150 रुपीज़ में था, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आपको ये सिंगल में बिल्कुल भी नहीं देंगे, अगर आपको सिंगल में कुछ लेना है रिटेल में लेना है तो आपको संडे के दिन आना पड़ेगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा रिटेल में भी, वो लोग संडे के दिन दे देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ गई तो मुझे यहाँ पे एक बैंगल्स की शॉप दिखी जो कि काफ़ी अच्छी बैंगल्स था, ये 860 रुपीज़ में था ये भी। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे इनके पास, और जो ये गोल्ड वाले बैंगल्स है इसमें भी आपको 100 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। और ये स्टॉल था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर आपको सारे स्टाइलिश और यूनिक डिज़ाइन के इयरिंग्स मिल जाएंगे। इनके जो कलर्स थे काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटी काफ़ी अच्छे थे, और उनके जो प्राइस थे
काफ़ी अच्छे प्राइस थे इनके, स्टार्टिंग ही 50 रुपीज़ से था, 50 से 75 रुपीज़ में। और ये सबकी क्वालिटी इतनी अच्छी, कलर्स इतने अच्छे, इसमें झुमकी मिलेंगी, मिरर वर्क आपको मिल जाएगा। अभी इससे जो गोल्ड में आए वो भी आपको 1455 के अराउंड में मिल रहा था आपको। ये ब्लैक लक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही थी, क्वालिटी इनकी बहुत क्लीन थी, फिनिशिंग बहुत अच्छी हो रखी थी इन सब में। तो अगर आप ऑन बिजनेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आके यहाँ पर इससे ले सकते हो। मुझे यहाँ के कलेक्शन बहुत अच्छे लगे इन भैया के पास जितने भी थे। और जो ये बड़ी वाली झुमकी थी ये सिर्फ 75 रुपीज़ में थी, ये झुमकी हाईएस्ट प्राइस इनके पास 75 रुपीज़ ही थी। उसके साइड में ही मैंने इस तरह से कॉम्बो में दिखा के आपको एक सुंदर सुंदर एयरिंग्स मिल रहा था। मुझे पूरे सदर मार्केट में से इस बार एयरिंग्स की कलेक्शन मुझे ज़्यादा दिखी और काफ़ी अच्छी कलेक्शन भी थी इस बार एयरिंग्स की। तो ये इस बार मल्टी कलर में काफ़ी ज़्यादा झुमकी आई हुई है मार्केट में, तो ये कलर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉपअप हो रहा था। तो इस तरह से आप अगर इस तरह से चांद वाले टाइप में भी काफ़ी अच्छा कलर, ये भी आई थिंक 55 रुपीज़ में अराउंड में था ये। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर कलर की आपको इसमें ज्वेलरी मिल जाएगी, एयरिंग्स मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मीनाकारी और कुंदन वर्क में भी आपको इसमें ज्वेलरी एयरिंग्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरीज वगैरह थी, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन में था ये। इसमें आपको होलसेल में और भी अच्छे प्राइस में दे देंगे ये लोग। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे एयरिंग्स के कलेक्शन थे ये मीनाकारी डिज़ाइन में। उसके बाद मुझे यहाँ दिखा लटकन, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन में थे, बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन में भी था यहाँ पर। और इसकी जो प्राइस थी सिर्फ 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी और 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ में था। और अगर पूरा पैकेट लेते हो होल सेल में तो आपको ये होल सेल में 170 रुपीज़ में पड़ेगा और एक पैकेट में आपको 10 पीस मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे थे, जो स्टार वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर वेडिंग सीजन के लिए अगर आप लटकन वगैरह चाहते हो ब्राइडल के लिए तो भी आप डेफिनेटली यहाँ के ले सकते हो। उस टाइप के जाके थोड़ा सा आगे छोटे लटकन भी थे जो सूट ब्लाउज वगैरह में अगर आपको लगाना है कहीं पे भी, तो ये आपको 50 रुपीज़ में मिल रहा था यहाँ पर। और इसमें आपको 10 पीस मिलेंगे, इनमें भी कलर में काफ़ी सारे ऑप्शन थे, डिज़ाइन में भी काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें यहाँ पर था। तो इनके पास काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। और ये ब्लू वाला और ये 100 रुपीज़ का था, ये पिंक वाला भी ये 100 रुपीज़ में था। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, डिज़ाइन भी बहुत यूनिक था। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी अगर आप आओगे। ये लेस की क्वालिटी भी अच्छी थी, लेस भी आपको यहाँ 10 रुपये 20 रुपीज़ मीटर मिल रहा था। ये कुछ सिल्वर की ज्वेलरीज थी, जो कि ये पायल थी, यहाँ पर आपको पायल वगैरह सब आपको 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ में आपको मिलेगा। होल सेल में आप लोगों को डेफिनेटली आपको यहाँ पर कम प्राइस में मिलने ही वाला है। तो इस तरह की यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पर हैंड बैग्स मिले जो कि 200 रुपीज़ में ही थे। इसके बाद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिखे, जहाँ आपको मैक के आपको मेकअप फिक्सर मिल जाएगा, फाउंडेशन मिल जाएगा, लैक्मे मेविल के आई शेडो पैलेट, हाईलाइटर वगैरह काफ़ी चीज़ें ऐसे मिल रही थी यहाँ पर। फिर आपको बिंदी मिलेंगी जो कि 2 रुपये से 5 रुपये पैकेट था आपको। और यहाँ पर इस बार चूड़े हुए कलेक्शन काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, जूड़ा पिंस वगैरह भी थी जो कि ये 90 रुपीज़ से 250 के बीच में था। ये 90 रुपीज़ में था वाइट वाला, इसमें आपको 10 पीस मिलेंगे। ये वाइट वाला 120 रुपीज़ में था और इसमें भी आपको 10 पीस मिलेंगे, काफ़ी अच्छा। ये पर्ल वाला नया आया हुआ था 250 रुपीज़ में, इसके लिए आपको तो इसमें आपको 12 पीस मिलेंगे, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में था मुझे काफ़ी। ये पिंक और वाइट वाला भी आपको 200 रुपीज़ में मिलेगा, ये जूड़ा फ्लावर वाला आपको 200 में मिलेगा, और ये न्यू जो वाइट और ये वाइट और मैरून वाला आपको 250 में मिलेगा। और इसमें आपको हल्दी मेहंदी के लिए भी एक्सेसरी मिलेगा, जूड़ा के लिए भी आर्टिफिशियल गजरा मिलेगा, हेयर एक्सटेंशन भी थे यहाँ पर, और यहाँ पर सब बहुत सारी क्लिप्स वगैरह भी मिल रही थी। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। उसके बाद मैं यहाँ पर गई, यहाँ पर मुझे ज्वेलरीज मिली जो कि माला टाइप में थी, इसमें राधा कृष्ण बना था, मोर बने हुए थे, काफ़ी सारे इस तरह से कॉइंस वाले डिज़ाइन भी बने हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ चकोर्स मिले जो सिल्वर और गोल्डन कलर में थे, और इनका जो प्राइस था 100 रुपीज़ में था। कुछ भी आप ले सकते हो, और होल सेल में तो ये ऑलरेडी आपको सस्ता मिलेगा। बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे टॉयज था, की चेन्स वगैरह थे, पाउच वगैरह था, मेहंदी के डब्बे वगैरह जो कि आपको पूरा 50 रुपीज़ में मिलेगा। यहाँ पर आपको रिंग्स वगैरह मिल रही जो कि 36 रुपीज़ में था, और एक जो था 26 रुपीज़ में था। ये पूरा जो पैकेट आपको मिलेगा वो 76-70 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये सारा स्टॉल जाके आप बैंगल्स वगैरह मिले जो बहुत अच्छे, ये 100 रुपीज़ से 70 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा, इसमें काफ़ी सारे कलर्स वगैरह भी थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उनके प्राइस भी अच्छे थे। यहाँ पर कुछ कॉम्स वगैरह ये मिल रही थी जो कि आपको 5-5 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये एयरिंग्स थी जो कि ये 40 रुपीज़ की एयरिंग, आपको पूरा पेयर मिल रहा था इसमें, आपको 3 पेयर 6 पेयर जितने भी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड था कि आप कौन सा डिज़ाइन का ले रहे हो उस हिसाब से ये
आपको पूरा 40 रुपीस का पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 20 रुपीस वाला भी था जिसमें आपको 6 पीस 12 पीस इसमें कितने पीस हो सकते हैं अपन जो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी सुंदर अंदर यहाँ पर एयरिंग्स थे। अगर आप अदर मार्केट से लेते हो तो ये आपको बाहर महंगा पड़ेगा, आपको पर पीस 20 रुपीस का पड़ता है, पर यहाँ पूरा पैकेट ही 20 रुपीस का है। और इसमें आपको काफ़ी सारे डिफरेंट यूनिक डिज़ाइन के मिलेंगे। ऑक्सीडाइज एयरिंग्स दे पर्ल्स वाले ये थे 10 रुपीस वाले जिसमें आपको 6 पेयर मिलेंगे। इसमें स्माइली थी, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ट शेप वाला एयरिंग्स भी थी, ये पर्ल्स भी थे। तो ये फ्रूट्स वाले आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है एयरिंग्स। तो ये सारे मतलब अगर आप एक पेयर लेते हो बाहर तो 5 रुपये में पड़ेगा, यहाँ आपको सिर्फ 1.5 रुपये 2 रुपये के अराउंड को आपको एक एयरिंग मिलेगा। तो अगर आप होल सेल में लोगों तो और भी ज़्यादा ही आपको सस्ता मिलने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइन थे आप देख सकते हो। उसके बाद मुझे यहाँ पर नेक पीस दिखा जो कि डबल लेयर और सिंगल लेयर में था स्टोन वाले, तो यहाँ पर आपको ये 100 रुपीस में मिल रहे थे। और यहाँ पर भैया रिटेल में भी कुछ आइटम्स बेच रहे थे क्लिप्स वगैरह। उसके बाद ये नेकलेस वगैरह था जो कि आपको 100 से 250 के राउंड में मिल रहा था। यहाँ पर आपको पूरा पूरा सेट मिलने वाला था, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, फ्लावर्स में था, चकोर में था। इसके बाद हमें ये चांद बाले की एयरिंग्स मिला आपको, यहाँ मीनाकारी कुंदन वर्क और राजस्थानी इसके स्टाइल में भी आपको ज्वेलरीज मिल जाएगा। ये आपको 100 रुपीज़ से 200 के अराउंड मिल रहा था आपको यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चूड़ा चूड़ियों के कलेक्शन मिलेगा, मेटल में भी थी और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में था। और इसमें आपको यहाँ पर राजस्थानी लुक में भी आपको यहाँ पर चूड़ा चूड़ियाँ मिलेगी। और उसके बाद यहाँ बच्चों के लिए आपको क्लिप्स वगैरह भी मिलेगी जो कि पूरा का पूरा पैकेट आपको 60 रुपीज़ में मिलेगा। रबर्स वगैरह मिल रही थी, छोटी छोटी क्लिप्स मिल रही थी जो कि पूरी 60 रुपीज़ में आपको पूरा पूरा बंच मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पर हेलमेट भी थी, काफ़ी अच्छी थी, ये रबड़ की पूरे पैकेट मिल रही थी 20 रुपीज़ में आपको। उसके बाद ये रिंग्स की कलेक्शन थी यहाँ पर, इस शॉप में काफ़ी अच्छी रिंग्स की कलेक्शन थी और आपको ये पूरा का पूरा पैकेट आपको 36 रुपीज़ में मिल रहा था, सिल्वर गोल्डन कलर में, छल्ले टाइप में भी इसमें इनके पास था। इनके पास काफ़ी सारा स्टॉक था रिंग्स की, जो हम नॉर्मली बाहर से लेते हैं वो 10 रुपये का ईच पड़ता है, बट यहाँ पर लिटरली आपको यहाँ पर 26 से 36 रुपये के अराउंड आपको काफ़ी सारे यहाँ पर रिंग्स मिलने वाले हैं। उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। अगर आप इन सब का लेके अपना ऑन बिजनेस करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको यहाँ इतना कलेक्शन मिल रहा है। गोल्ड के टाइप में भी आपको यहाँ रिंग मिल रही थी। उसके बाद हम लोग गए प्रताप मार्केट जहां आपको एक्चुअल में होलसेल का आइटम्स मिलेगा। आपको सारा का सारा यहां पर एक सैंपल वाले चीज़ें रखी जाती है और आपको होलसेल में जो भी आपको आइटम चाहिए वो आपको दिया जाएगा। एक तरफ से ये जो बाहर लगा हुआ आउटर साइड में जो सेल हो रहा है उसका गोडाउन टाइप ही होता है। तो यहाँ पर काफ़ी जो कस्टमर को होलसेल में लेना होता है वो लोग लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक का, आपको हेयर एक्सटेंशन और पार्टी वार्टी बर्थडे पार्टी वो सब का आइटम्स मिल जाएंगे। होम डेकोर का भी आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको जो भी आइटम चाहिए मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ पर ये मुझे एयरिंग्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा मिला। इन भैया के पास एयरिंग्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था और इनका भी प्राइस यहाँ पर वही 50 से 65 के अराउंड में ही था, ये झुमकी टाइप वगैरह। तो इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। तो यहाँ पर आपको मिडल वर्क में मिल जाएगा काफ़ी अच्छा। तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज भी इनके पास थी। तो इनके जो कलर्स थे इनके के पास काफ़ी अच्छे कलर्स में एयरिंग्स वगैरह था। मुझे सदर बाज़ार में इस बार एयरिंग्स का कलेक्शन काफ़ी सच में बहुत अच्छा लगा। फिर ये बैंगल्स है जो कि 300 रुपये का, ये थोड़ा एक्सपेंसिव था। उसके बाद मैं जैसे आगे बढ़ती गई मुझे यहाँ पर हेयर एक्सटेंशन की शॉप्स दिखी पूरी प्रॉपर, जहाँ आपको 160 रुपीज़ का मिलेगा। और यही चीज़ अगर आप बाहर से लोगे तो 250 या 350 के अंदर ही आपको मिलेगा, उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव में मिलेगा। तो जिसे भी लेना होता है वो अंदर से लेता है, ये चीज़ें मुझे पहले पता नहीं था। उसके बाद हम लोग गए गांधी मार्केट वाले गली में, तो वहाँ पर आपको सारी एयरिंग्स और ज्वेलरीज वगैरह ही मिलेंगी आपको वेडिंग के लिए, या जो भी आपको चाहिए ऑक्सीडाइज चाहिए मीनाकारी डिज़ाइन में चाहिए या फिर कुंदन वर्क में चाहिए, सारे एयरिंग्स वगैरह और ज्वेलरीज वगैरह सब आपको यहीं पर ही मिलेगा गांधी मार्केट में। तो गांधी मार्केट मेन ज्वेलरी वाला सेक्शन है इधर। तो यहाँ पर हम लोग एक शॉप पे गए, हमने पता करा तो ये झुमकी थी ये 55 रुपीज़ में थी, ये 60 रुपीज़ में थी।
तो ये वाले इयरिंग्स आपको 65 रुपीज़ में पड़ेगा। और इनके पास काफ़ी सारे अच्छे कलेक्शन वगैरह भी था इस शॉप पे, तो इसमें हमने फिर हमने इयरिंग्स वगैरह पूछे तो यहाँ पर भी रिंग्स के काफ़ी सारे कलेक्शन थी। जो आप हम लोग बाहर 10 रुपीज़ में लेते हैं वो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पैकेट 76 रुपीज़ में पूरा आपको 36 रिंग्स मिल जाएंगे। और ये बड़ी बड़ी जो आजकल रिंग्स चल रही है वो रिंग्स आपको 8 रुपीज़ 7 रुपीज़ 6 रुपीज़ में मिल जाएगा, मैक्सिमम 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन में थे, क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, ये शॉप भी काफ़ी अच्छा था और बड़ा शॉप था ये। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हमने होम डेकोर के आइटम्स देखे। ये आपको प्लांट्स मिलेंगे आर्टिफिशियल वाले, जो 100 के आपको 6 प्लांट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग हेयर एक्सटेंशन देखने आए, यहाँ पर आपको हेयर एक्सटेंशन 350 का मिलेगा जबकि अंदर को 160 में मिल रहा था। उसके तो यहाँ पर अंकल थे जो कि मैक के हाइलाइटर और आई शेडो वगैरह बेचे थे ग्लिटर में, तो इनके पास 120 से 280 के राउंड में इनके पास सारे कलेक्शन थे। और इनके पास मैक के काफ़ी सारे ग्लिटरी फॉर्म में भी आई शेडो वगैरह थे और इनके काफ़ी सारे नेल पॉलिश वगैरह भी था। उसके बाद हम लोग इनर साइड में हम लोग गए जहाँ पर हमें इस तरह से ये हेयर एक्सटेंशन मिला जो कि इतने कम प्राइस में था गाइस, सिर्फ 160 रुपीज़ में था। और बाहर में आप इसी को लोगे तो आपको 250 से 350 के राउंड में आपको ये मिल रहा था। तो ये मैं डिफरेंस काफ़ी रेट का डिफरेंस मुझे काफ़ी पता लगा। उसके बाद ये क्लिप्स वगैरह ये क्लेचर वगैरह भी आपको अंदर इतने सस्ते मिल रहे थे और बाहर आपको 20 रुपीज़ का ईच मिल रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। सेम मार्केट में सेम चीज़ें आपको इतनी डिफरेंस प्राइस मिलेगा। और ये पर्ल्स वाले ये जूड़ा पिन जो आपको हेयर एक्सेसरीज में लगाना है ये आपको 150 मिल रहा था। और जो क्लिप जो भी दिखाई वो आपको 100 रुपीज़ में मिल रहा था, आपको इसमें 5 सेट मिल जाएगा। इनकी भी पर्ल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा था, पहनने पे काफ़ी अच्छा लुक देता, बहुत हैवी इसका क्वालिटी थी। तो इसमें आपको और भी जूड़ा वगैरह में लगाने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें बहुत सारा डिज़ाइन था इस हेयर एक्सेसरीज में लगाने के लिए, तो मुझे अच्छे लग रहे थे। और आपको यहाँ पर मांग टिका सरपट्टी टाइप में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके बाद हम लोग आउटर साइड आ गए। आउटर साइड आने के बाद हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश दिखने लगा, जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर क्रिसमस से रिलेटेड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट का आइटम मिले जो कि आपको 10 से 20 रुपीज़ का आपको पूरा पैकेट मिल रहा था। फिर यहाँ पर मुझे लटकन दिखा जो कि बहुत अच्छे डिज़ाइन में थे, ये काफ़ी पूरे मार्केट में अभी ये वाले डिज़ाइन के नहीं दिखे थे, आपको 50 रुपीज़ में 60 रुपीज़ में मिल रहा था ये इस टाइप के आपको लटकन। यहाँ पर रिंग भी थे जो कि 20 रुपीज़ के मिल रहे थे, ये आउटर साइड में मिल रहा था ये। तो इसके कलेक्शन भी काफ़ी अच्छे थे, यहाँ पर इनके पास ऑक्सीडाइज में भी थे और मोतियों में भी थे, तो काफ़ी अच्छा लगा था। ऑक्सीडाइज वाला ये यहाँ पर 20 रुपीज़ का था। अब लाजपत जाते हो जिन पर जाते हो यही चीज़ आपको 50 रुपीज़ में मिलता है। तो जब हम लोग ऐसी मार्केट है तो हमें काफ़ी एक्चुअल में रेट पता लगता है कि कितने का क्या आइटम्स ये सब चीज़ें होता है। तो अगर आप कुछ भी आइटम्स लेना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आप एक बार मार्केट आइए और एक बार विजिट करके इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ले सकते हो। तो उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए क्योंकि 7 बजते ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि सब बंद होने का टाइम हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। तो फाइनली गाइस मैं घर पहुँच गई हूँ, काफ़ी थक भी गई हूँ। तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी कोशिश करी कि अच्छे से मैं वीडियो बना सकूँ और आप लोग को आइटम सिखा सकूँगी। वहाँ पर अभी नए नए क्या क्या कलेक्शन आए हैं वहाँ के, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई, तो मैं फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ, मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया, बहुत भूख लगी है तो मोमोज लाई थी, तो गरम गरम मोमोज खाने वाली हूँ मैं। तो ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, तो होपफुली उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगे वीडियो मेरी। अगर ऐसी वीडियो आपको और देखनी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।